भोपाल के बागसेवनिया इलाके में बीकॉम की छात्रा ने छठवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्रा शुक्रवार दोपहर कॉलेज से पेपर देकर घर लौटी। माँ से ब्यूटी पार्लर जाने की बात कहकर शाम को चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी नानी के घर छत पर पहुंची और छत से छलांग लगा दी। छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक भेल संगम चौराहा कुंदन नगर में रहने वाली वंदना चौहान पिता हरिओम चौहान निजी कॉलेज से बीकॉम फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के पिता हरिओम सीमेंट कंपनी में पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता था, 7 साल से उसका इलाज चल रहा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके रिश्तेदार हैं। छात्रा का अंतिम संस्कार मछुआई सीहोर में होगा। वहीं शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर सीहोर के लिए रवाना हुए। पिता ने बताया कि सबसे बड़ी बेटी वंदना शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे पेपर देकर घर लौटी थी। थोड़ी देर घर में रहने के बाद उसने माँ से कहा कि उसे पार्लर जाना है। देर शाम करीब 7 बजे वह घर से पार्लर के लिए निकली थी। करीब आधे घंटे बाद पता चला कि वह प्रॉस्पेरा सोसाइटी में रहने वाली अपनी नानी सुषमा चौहान के मल्टी में पहुंच गई। वहां नानी के फ्लैट में न जाकर सीधे छत पहुंची और छलांग लगा दी। जानकारी मिलते ही लहूलुहान हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और तब तक काफी देर हो चुकी थी। छात्रा के पिता ने बताया कि छात्रा की नानी के घर से हमारा घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वंदना पैदल ही नानी के घर तक गई थी। छत पर वंदना की चप्पल मिली और इससे लग रहा है कि उसने छत से ही छलांग लगाई है। करीब 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी। जब अस्पताल लेकर गए तब तक उसका शरीर गर्म था। वहीं डॉक्टर ने चेक करते ही उसे मृत घोषित कर दिया। हरिओम ने बताया कि अस्पताल में मौत के बाद बेटी के जेवर किसी ने उतार लिए। पोस्टमार्टम के दौरान जेवर चोरी का पता चला। उसके सोने के कान के 2 कुंडल गायब मिले। वहीं पुलिस का अनुमान है कि शव को पैक करने वाले कर्मचारियों ने ऐसी हरकत की होगी। पुलिस ने जेवर चोरी को जांच में लिया है। छात्रा के पिता के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके रिश्तेदार हैं। उनका गांव सीएम के गांव के पास ही है। पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम के पास मुख्यमंत्री कार्यालय से कई अधिकारियों के फोन भी आए। वो शव गांव लेकर जाने की व्यवस्था को लेकर पूछते रहे। हरिओम ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से पीएम में देरी हुई।